हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस दिस एंड दिस। मींस आपको ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल बताना है। क्लियर? देखो, जो भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो पहले हम उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, -3/7 है और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -6/13। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरो किधर है, लेफ्ट साइड। तो मींस हम इन दोनों की मल्टीप्लाई को लेफ्ट साइड लिखेंगे। 13 3s are 39, माइनस है तो माइनस आएगा। 7 6s are 42, माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखो, -39 ग्रेटर है या -42 ग्रेटर है, जो स्मॉलर होता है वो हमारा ग्रेटर होता है। तो मीन्स ये ग्रेटर है, साइन हमारा इधर आया, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, -3/7 is greater than 6/-13। बहुत सिंपल है। नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है तो पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, -5/13। फिर यहाँ पर -35/91। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 5 9s are 45, मीन्स -455। इधर मल्टीप्लाई करेंगे -13 की -35 से, तो क्या आएगा हमारे पास, 455 माइनस है तो माइनस। मीन्स दोनों हमारे क्या है, इक्वल। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना, सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शंस, इक्वल है। क्लियर? नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या लिख लेंगे, 1, माइनस न्यूमरेटर्स में है। ओके, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s are 10, -10 एंड 13 1s are 13, -13। विच वन इज ग्रेटर, -10। जो हमारा स्मॉलर होता है ना माइनस में, वो हमारा ग्रेटर होता है। ये इधर साइन है तो मींस -2 is greater than -13/5। क्लियर? नाउ स्टार्ट फोर्थ पार्ट, -2/3। ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हम न्यूमरेटर में लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8s are 16, -3 5s are 15, माइनस। विच वन इज ग्रेटर, -15, तो हम साइन लगाएंगे इसमें ऐसे, मीन्स 5/-8 is greater। नाउ कम ऑन फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमारे पास माइनस होता है तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3/5। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0s are 0, 3 1s are 3, विच वन इज ग्रेटर, 3, means 3/5 is greater। Now come on the last part of this question। Numerator में minus है तो हम इसकी direct cross multiply करेंगे, -8 into 10, -80, 9 9s are 81, minus है minus, which one is greater, -80, so -8/9 is greater। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।